नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अब खबर खेल से। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लगभग 12 मिनट लंबे वीडियो को पोस्ट कर संन्यास की घोषणा की। घोषणा के बाद रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ गौतम दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अपने करियर का आखिरी मैच खेला। पहली पारी में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए गंभीर ने शानदार 112 रन बनाए। गौतम ने अनबीटन नाम से ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो शेयर किया। 12 मिनट लंबे इस वीडियो में गौतम बहुत ही भावुक दिखे। तो वही नजर डालते हैं गौतम के कुछ यादगार लम्हों पर। Along this journey, I have fostered some meaningful partnerships. None more than with you guys, the supporters of Indian cricket, the most important stakeholders. I have always disapproved of the terms fans or crowd. It's quite demeaning because I think at the end of the day, it is you guys who make cricket or cricketers what they are. A big thanks for supporting me and the teams that I've played for. A special thanks to all my partners from Kolkata. We both wear our hearts on our sleeves. We both are very demanding and play with extreme passion. My time was up. गौतम गंभीर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में 2003 में की थी। गंभीर ने 2007 वर्ल्ड T20 और विश्व कप 2011 में टीम इंडिया को दो विश्व कप खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2012 और 2014 में कप्तान के तौर पर भी चैंपियन बना चुके हैं। साल 2007 में पहली बार भारत वर्ल्ड T20 चैंपियन बना। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बनाए, जिसमें गंभीर ने 54 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से सर्वाधिक 75 रन बनाए। In the air, Srishant takes it. India win. पाकिस्तान की टीम 19.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने खिताब जीता। गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अहम भूमिका अदा की। फाइनल में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 274 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे गौतम ने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए 97 रनों की दमदार पारी खेली और भारत ने 6 विकेट रहते ये मैच जीत लिया। गंभीर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच खेला। गंभीर ने कुल 58 टेस्ट मैचों में 41 के औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि 147 एक दिवसीय मैचों में 39 की औसत से 5238 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। गंभीर ने लोगों का दिल तो उस वक्त जीत लिया था जब वो किन्नर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। गौतम यहाँ पहुंचे तो किन्नरों ने उन्हें उनकी तरह तैयार होने में सहायता की और फिर ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। गंभीर भेदभाव का शिकार किन्नर समाज को अपना समर्थन देने वहां पहुंचे थे और इस वजह से सभी ने इस दिग्गज खिलाड़ी की खूब तारीफ की। इससे पहले गौतम ने रक्षाबंधन पर ट्रांसजेंडरों के साथ राखी बंधवाई थी और इसके लिए भी इनकी खूब तारीफ हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि गौतम ने राजनीति में आने की खबरों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने राजनीति में आने की खबरों को बकवास करार दिया। मुझे नहीं पता कि इन बातों की शुरुआत कहां से होती है। 2016 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले गंभीर के लिए साथी खिलाड़ियों ने कुछ खास मैसेज लिखे, जिसमें सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा जैसे क्रिकेटरों ने गंभीर के लिए कुछ इमोशनल मैसेज लिखे। अब सीधा सवाल ये उठता है कि क्या गौतम खेल से नाता तोड़कर राजनीति में अपने हाथ आजमाते हैं या नहीं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बाकी खेल से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।